तू दे भी ना मेरा दिल नहीं, मतलब बड़े समझदार है हमारे तो टीरू वाले भी ना। हेलो मम्मी, गुड मॉर्निंग। शिमला में आके कैसे लग रहा आपको? गुड मॉर्निंग। और किद्दा लगूगा मैनू, मतलब कैसे लगेगा, मुझे चंगा ही लग रहा है। देखो गाइस, मेरे ना ये कुलाते कपूते बहुत चलाक है, जब भी मेरा मूड ऑफ हो जाए, मतलब मैं गुस्सा हो जाऊँ, मुंह फैला लूँ, उनके खिलाफ बोलूँ ना, मेरे को ऐसे ही घुमाने फिर ले आते हैं, मतलब इनको मेरी दुख तेरा का पता है ना। देखो मैंने कल ही तुम्हें दस्या सीगा कि मेरे थोड़ी शौक है कि खाना पीना घूमना आवारा गर्दी करना, भाई ऐसे थोड़ा ना मैनू लोग रंगीली वाला कहते हैं ना, बाढ़ में जाती है दुनिया समाज, हमें क्या लेना देना रीति रिवाजों से, हमें तो ना घूमना फिरना मजे करने। और पीपल में वो एक लिफ्ट है ना, गिर जाओ तो भाई लोग परेशान हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। वैसे देखो किसी ने सच कहा है कि चलो परमात्मा अगर शक्ल नहीं चंगी देती है परमात्मा ने, तो गलत चंगी कर लिया करो, बट हमसे ना वो भी चंगी नहीं होते, हम मनहूसी ते फैलाते हैं जाके, है ना। पिपड़ी पेड़ की कटिंग क्यों हुई है भला, बता मेरे को। ओ हाँ हाँ डीजे मी, ऊपर इलेक्ट्रिक पोल है ना, इसलिए कीती गई है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग शिमला आए, बड़े महीनों बाद आए हम लोग शिमला। और वैसे प्रोग्राम मेरा नहीं था, वो बड़की पूतना ने घूमना सीखा, तो मैं तो साथ में आ जाता, मेरा का फ्री फंड में काम हो जाता, मैंने क्या है ना। वैसे आप सोचो कि भी नवरात्रि चली हुई है, तो लोगों को जो है वो कायदे से घर में रहना चाहिए अपने ना, पर साड़ी मुखिया ही घुमक्कड़ हैगी, जब उसको ही फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हम तो फिर छोटे मोटे आवारा गर्द है ना, बड्डी आवारा गर्द वो तो ऐसी छोटे मोटे आवारा गर्द है। चलो जी गाइस, तो हमने ये माल रोड के पास होटल लिया हुआ है और यहीं रुके हुए हैं हम, और दो कमरे लिए हैं और एक कमरा मेरे को स्पेशली मिलता अलग से। भाई ये ना हम, मैं सुना रहा हूँ दुपट्टा को कि दुपट्टा तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, जब शादी होगी तो हमें अलग से कमरा मिलेगा, मतलब चाहे डीजे में कितना बोलते रहे मैं बीच में सोऊंगी, बट हम सोने नहीं देंगे, है ना, डोंट वरी। गाइस कायदे से जो हमने दो कमरे लिए थे ना, उसमें जैसे हाँ पीएचडी होल्डर साढ़े नाल है, हम उसको दिखा नहीं रहे आजकल, उसका थोबड़ा नहीं दिखाते, कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आपको कभी बताऊंगा अगर परमिशन मिली उधर से, है ना। और हाँ ये ट्रिप भी हमारी जो परमिशन हमें मिली है उधर से, और मैंने ना वैसे तो मैं गाइस कल रात को आ गया था, लेकिन वीडियो नहीं बनाई मैंने, नहीं दिखाई, क्योंकि वहाँ से परमिशन, मतलब बड़की सरगना है ना, मैं बड़की पूतना से परमिशन नहीं मिलती, अब मिली है परमिशन। मैंने कहा भाई देखो मेरी शादी आ रही है पास में, तो पहले मेरे को डाल देने दो वीडियो, तो मेरे को परमिशन मिल गई इसलिए मैं डालूँ। चलिए मैं बोल रहा था कि कायदे से जो जेंट्स थे ना, उनको एक कमरे में रहना चाहिए था और लेडीज रहती एक कमरे में, बट हम तो है ही मुस्टंडे, हमें तो भाई वैसे ही बातें सुनाने का मौका चाहिए, मतलब बातें लोग हमें बातें सुनाए, इसलिए हम मौका देते हैं लोगों को, है ना। अब लोग बोलेंगे कि भाई उधर है साड़ी भी उधर ही हैगी, जीजा भी कमरे थे, जवाई क्या कहते हैं सस थे जवाई, मतलब इधर उधर की कई बातें हो सकती है ना भाई, गोपियों में कन्हैया का क्या काम है। अब मुस्टंडा पीएचडी होल्डर क्या करता, वो भी सो जाता था, मैं भी सो जाता, थका हारा जो भी था, मतलब मैं बहाना ये मार रहा हूँ ना कि मैं ड्राइविंग करता हूँ, मुझे सोना था, इन्होंने बातें करनी, तो ऐसी पीएचडी होल्डर को क्या बातें करनी होती जनानों के बीच है? हमने मौका देना होता है, आपको नहीं पता गाइस, फिर लोग हमें बोलते हैं कलमू हो शर्म करो, और हम पक्के दर्जे के पसंद, तो हमें शर्म कैसे आएगी गाइस, ऐसी बात होती है। ओ मम्मी क्या खाओगे आप, वैसे मम्मी की ना नजर कमजोर हो गई, अरे नजर कमजोर है तभी तो हमारे करतूते दिखते नहीं है, वैसे मुंह बना बना के क्या देख रहे हो आप, मुंह बना के देख रही, ये मेरा स्टाइल है, ओवर एक्टिंग मेरा स्टाइल है, अब मैं ओवर एक्टिंग करती तभी तो मेरे, मतलब जो मेरी वो है ना छोटी पोत ने बड़की पोत ने, तू भी तो करता ओवर एक्टिंग है ना, तो ये मेरा स्टाइल है। वैसे डीजे में आपके शिमला से बड़ी यादें, पुरानी यादें जुड़ी हुई है ना, बहुत घूमे फिरे हो आप यहाँ पे। हाँ, पुरानी यादें हैं, मतलब और पुरानी यादें ऐसी है ना कि सामने आ जाए तो हमारे तो भेल ही खुद जाए, बताए क्या ही बताओ, मतलब पुरानी यादों की। हमने तो ज्यादा शिमला देखा नहीं, बस माल रोड रिज वही है ना। ना ना मैं तो देखा है सारा शिमला देखा है मैंने तो, पर पिपड़ ऐसा होता है ना कि अपनी जन्मभूमि तो जन्मभूमि होती है, पर साड़ी कोई जन्मभूमि है, मतलब असी किसी के सके हैं, मतलब हम किसी के सगे वाले हैं, हम सगे हैं पैसे के, खाने पीने के, घूमने के, है ना, ये बना लेते, मतलब शिमला में भी बना लेते तो क्या उखाड़ लेते, दंगल लैंड में बना के क्या उखाड़ लीजिए, यहाँ उखाड़ लेते हैं ना, हमें भी पैसे चाहिए खाना, मुझे तो खाना पीना और पैसों से मतलब होता है ना। अब देख लो तुम इतने जो तुम ये कर्म कांड करते हो, इतने तुम मुझे को पूत क्यों हो, थोड़ी रोक टोक मेरी होती तो मजा से तुम इतने बिगड़े हुए होते हैं, ये सब मेरी वजह से, मेरी वजह से इसलिए कि भाई मेरी ना दुखती रगे हैं ये, खाना पीना घूमना आवारा गर्दी करना, है ना। जब आंचल आएगी तो मैं और आंचल घूमने आएंगे। की कह रहे तुम्हें? और नहीं डीजे भी मेरे, मतलब असी सारे आएंगे, हम सब आएंगे, पूरा कुनवा आएगा हमारा तेरे हनीमून पे, और मैं तो तुम लोगों के बीच में दुपट्टा और तेरे बीच सोऊंगी, बड़ा आया तू, मैं और दुपट्टा।
हाँ डीजे में हम सब आएंगे, मैं आप प्रीतो प्रिया है ना, सब सारे मतलब सब साथ आएंगे तो चंगा लगता है ना। कभी बड़की पूतना नहीं हुई तो उसके बिना हो जाएंगे। नहीं नहीं परतू दे बिना मेरा दिल नहीं मेरा मतलब है प्रिया दे परतू दे बिना मेरा दिल नहीं लगता, वो साथ हूँ ना तो अच्छा लगता है ना, है ना। देखो वैसे किन्ने बशर्म इंसान मतलब किन्ने बशर्म है ना असी है, मतलब देखो सानू दुपट्टा चाहिए किसी की बेटी असी अपनी बहू बना के ला रहे तो उसके बिना हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं है, है ना। और अपनी बेटियां हमने जिनके घरों में दे रखी है उनके बेटों को भी हम अपना बना लेते हैं, उनको भी उनके घर नहीं जाने देते। एक ने बात मानी, एक जो जी हमारा बन गया ना गुलाम वो तो बन गया अपना जवाई, और जिस जवाई ने साड़ी बात नहीं ना मानी उसको हमने अत्याचारी बना दी, उस पर हमने तरह तरह का केस लगा दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का है, उत्पीड़न का, दहेज का, और पता नहीं जो हमारा मन करता वो हम केस लगा देंगे। मान लेता साडे घर भांडे मांज देता, कपड़े धो देता है, साड़ी गुलामी कर लेता जिदा वरतू कर रहा है, कितना खुश रखता है मैनू, मतलब सारे साढ़े सारे टब्बर नू कितना खुश रखता है ना, वैसे रखता तो मैनू चंगा लगता, फिर मेरा भी ओदे बिना भी मेरा दिल नहीं लगना सीगा, बट अब तो मेरा ना परतू के बिना, मेरा मतलब है प्रिया ते परतू दे बिना मेरा दिल नहीं लगता। अच्छा चल अब पिपड़ असं घूम नहीं जाना, हमारा गर्दी नहीं करनी, बस होटल के कमरे च बैठे रहने गए असं, है और कितने कि मुस्टड़नियाँ चल वेख के कितने कि चलते हैं असं करते हैं घूम फिरन इधर उधर है। तो गाइस तो मैं आपको मुस्टर्णियों के कमरे में भी ले चलता हूँ, दिखाऊंगा नहीं मैं आपको, है ना, जो मुस्टर्णियाँ परे क्या करें, क्योंकि हमारा अपना अपना कंटेंट होता है, वो नाच गाना अपने वीडियो में करेंगे, अपना नाच गाना मैं अपने वीडियो में करूंगा, है ना। इधर कोई काम भी हो रहा है तो आवाजी आ रही है ना, ये इग्नोर करिएगा इसको, अब ये लोगों के काम, लोग काम काजी लोग काम करवाते हैं, हम तो अपना काम काज छोड़ के आ गए हैं घूमन फिरन, है ना। चलो जो भी है आपको हमारे बारे में बेहतर पता, क्या बताऊँ मैं आपको, चलो फिर मैं वही आपको दिखाऊंगा, हम क्या दिखाते हैं, रिज दिखाऊंगा, माल रोड दिखाऊंगा, इससे ज्यादा हम दिखा नहीं सकते। हाँ एक मैंने बकवास और भी किया, जो टाइटल डाला ना दुपट्टा की शॉपिंग करवा चौथ की शॉपिंग जो भी है, पर जी शॉपिंग करते दिखाई नहीं है मैंने, बाद में दिखाऊंगा तो पता नहीं, वैसे की भी नहीं है शॉपिंग हमने, की होती तो दिखाते, अरे हम शॉपिंग करेंगे उल्टा वो हमें करवा दे करवा चौथ की शॉपिंग, ऐसी है ही इदा दे मतलब घोर इंसान। चलो गाय देखो असं माल रोड पे घूम रहे हैं, तो डीजे मी कह रही हैं कि भाई लोग नवरात्रों में जो है ना पूजा पाठ करते हैं, बट मैं डीजे मी से पूछना चाहता हूँ कि डीजे मी लोग नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं तो असी इधर क्यों घूम रहे हैं फिर, असी के सामाजिक इंसान सामाजिक जंतु नहीं है गे? नहीं नहीं मैनू लग गया पता, भाई लोग की जो कहते हैं ना कि तुसी बिल्कुल मुस्टंडे हो, आवारा गर्द हो, तीर्थ त्योहारों में लोग अपने घरों में रहते हो, जैसे त्योहार आते हैं दिवाली दशहरा, दशहरा भी अगल परसों है नवरात्रि, तब हम वो आवारा होते हैं ना बहु 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 उनकी तरह फिर पड़ते हैं, आदत है हमारी, है ना। अच्छा गाइज मैं ना आपको एक बात बताऊंगा, जब हम माल रोड में घूमने गए ना तो स्पेशल मेरी वीडियो में ना ये बड़की पोता ने एक जो सूट लिया उसमें एक मांगने वाली जो कह रही थी कि भाई तेरी शादी हो जाए ढंग से, तेरा घर हो जाए मिल जाए तेरे को, तो बड़की पोतना बड़ी खुश होकर बता रही थी, उसको लग रहा था भाई मैं बड़ी ऐसे ना चरहरी काया वाली लड़की लग रही हूँ, पर आंटी का मतलब क्या था ना कि भाई अब बिंदियाँ नहीं लगाओगे सिंदूर नहीं लगाओगे तो किसको लगेगा पता कि शादीशुदा हो कि नहीं हो। वैसे भी लड़कियाँ आजकल जरूरी नहीं कि 24-25 साल में शादी करती, आजकल बड़ी उम्र में भी शादी करती हैं तो बड़ी बात नहीं है, तो बड़की पोतना को बस मौका मिलना चाहिए दिखाने का कि देखो गाइज मैं मतलब 16 साल की हूँ, अब भैया हमारी आज तक हमारी डीजे में नहीं हुई है, मतलब बुढ़ी तो वो कहाँ से हो जाएगी, है ना, डीजे में सुन लिया तो मेरे मतलब दांत तोड़ देगी। ठीक है गाइस डीजे में बोली मेरी फोटो खींचो, खींचो मेरी फोटो, खींचो मेरी फोटो, मुस्टंडे खींच दे मेरी फोटो और रील शील बना दे, इतना करे मेरा भी इंस्टाग्राम आईडी बना दे, उधर मैं पाऊंगी फिर फोटो अपनी पोज बना बना के रिटायरमेंट तो बाद, वैसे तो मैंने यूट्यूब चैनल खोलना ही, अपने इंस्टाग्राम आईडी पे भी ना मैं फिर रील बनाऊंगी अच्छी अच्छी वाली, है ना, कौन से मेरे नैना तेरे नैनू से इतना इतना कुछ चंगे चंगे गाने पा के रील बनाऊंगी। अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ मैं ना, सब तो बड़ी सेलिब्रिटी है, अब दो दो तीन दिन सेलिब्रिटी मैंने पैदा करके दी है, मैंने तो मैं सब तो बड़ी सेलिब्रिटी हाँ। हाँ खींच बनाऊ पोज में पाउट जिदा बड़की पुन बना दिया चंगी लग रही वो तो मैं है ही। चलो गाइज मैं यहाँ ना यहाँ के जो चैनल हैं वो वाली दीदी ना फिर गुस्सा हो जाती है कि तू फालतू बकवास मत कर, बड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, उनके सब्सक्राइबर को अच्छा नहीं लगता, उनके सब्सक्राइबर बड़े समझदार हैं, हमारे तो टीरू वाले भी ना इस दीदी के सब्सक्राइबर बड़े अच्छे अच्छे समझदार हैं, तो भाई इतना बकवास नहीं मैं करूँगा। बाकी लग गया आपको पता कि कहाँ थे हम, हाँ यहाँ थे हम घूमने फिरने आए आवारा गर्दी करने आए हुए हैं ना। बाकी बड़े की पूतना बड़े छोटे की पूतना का वीडियो जल्दी आएगा, नाच गाना जो भी अपने अड्डे पर दिखाएंगी, मैंने अपने दिखा दिया, और दुपट्टा चिंता ना करी कमरा हमें लग मिलेगा, डीजे में नहीं सोएंगे बीच में, डोंट बरी वैसे बोल देती हैं कुछ भी बोलती हैं, जैसे घर में उनको कोना सा दे दिए तो हम कौन सा यहाँ उनको समझ गए ना। चलो गाइस बाय बाय।